हे गाइस, हेलो, वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एचएससी क्वालिफिकेशन सीरीज में इसका पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम एएसपी, सीएसपी एंड एसएमएस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इस पार्ट पे आने वाले हैं सीएचएसटी एंड ओएचएसटी, जो कि सेक्शन में आते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज में। टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसा कि मैंने बताया था कि उनके 5 सेक्शंस हैं टोटली। उनमें से हमने जो सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स और जो मिड लेवल मैनेजर्स का है सेक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम आ गए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में। तो इसमें पहला सर्टिफिकेशन सीएचएसटी आएगा, नेक्स्ट आएगा ओएचएसटी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीएचएसटी को। तो देखिए, सीएचएसटी का सबसे पहले ओवरव्यू हम ले लेते हैं। सीएचएसटी, सीएचएसटी मींस कंस्ट्रक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन। तो देखिए, इसका नाम डायरेक्टली आपको बता देगा कि ये बेसिकली किधर यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों के लिए, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें वो इस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर सकते हैं, ताकि उनके जो एम्प्लॉयर है, आप उन्हें डेमोंस्ट्रेट कर सके कि आपने अपने नॉलेज को एक पर्टिकुलर हाई लेवल गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट शो किया है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। इसके अगर आप बेसिकली देखेंगे तो 20 रिसर्टिफिकेशन पॉइंट रहते हैं एवरी 5 ईयर में। ओके, सो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कंस्ट्रक्शंस वालों के लिए। नेक्स्ट हम डोमेन्स की बात कर लेते हैं। इसमें डोमेन्स मीन्स किस किस पर्टिकुलर एरिया से नॉलेज इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 डोमेन्स मिलते हैं आपको। पहला डोमेन की अगर हम बात करें तो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन है, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन है, जो कि आपका टोटल कवर करता है एग्जामिनेशन का 57.1% एरिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। तो इसमें जो वेरियस हैज़र्ड्स एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो वो इसमें बेसिकली स्टडी किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देख लें तो इसमें आ जाएगा आपका एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, या फिर 10.3% एज वेल एज फायर प्रिवेंशन, ये भी इसमें मतलब इंक्लूडेड है। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड फायर प्रिवेंशन, ये 10.3% आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर आप बात करें सेफ्टी प्रोग्राम डेवलपमेंट, एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये आपका 17.1% आएगा, ठीक है। लास्ट डोमेन की अगर आप बात करें इसमें, तो आपका आएगा लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, तो लास्ट सेक्शन जो आपका डोमेन रहता है 16.5% का आएगा। अब देखिए, जिसने अगर डोमेन के बारे में जिसको पता नहीं है, तो प्रीवियस वीडियो देख ले या फिर एएसपी से स्टार्ट कर ले। वहाँ पे मैंने डोमेन्स जो एग्जामिनेशन का मीनिंग, एग्जामिनेशन फीस के मीनिंग से, वो सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। डोमेन्स क्या होता है, बाकी जो ये डोमेन्स की पीडीएफ है, क्योंकि ये डोमेन्स का सिर्फ नाम है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछे जाएंगे, जो कैलकुलेशंस होंगी, उन सब का जो पीडीएफ है, मैं शाम को अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पे मैं जितना भी वीडियो से रिलेटेड इसका जो शीट है, इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस शीट को मैं उसमें डाल दूंगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। नाउ फीस ऑफ सीएचएसटी सर्टिफिकेशन, अब देखिए फीस के बारे में हम यहाँ पे बात कर लें। एप्लीकेशन फीस आप इसकी देख लीजिए, 140 USD आपको मिल जाएगी, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस देखेंगे अगर आपकी इसकी, तो 300 USD मिल जाएगी आपको। एग्जामिनेशन बंडल फीस 550 USD, ठीक है। एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन फीस, 100 USD मिल जाएगी। एंड रिन्यूअल फीस, 145 USD, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस क्राइटेरिया। अब ये फीस क्राइटेरिया को मैं इनडेप्थ में फर्स्ट वीडियो में बता रखा है एसपी में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन फीस क्या होती है, एग्जामिनेशन बंडल फीस क्या होती है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात हुई, अब देखिए 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 4 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा बेसिकली क्राइटेरिया इसका। अब ना नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीएचएसटी एग्जामिनेशन। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है, एकेडमिक में आपको कुछ इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नहीं करा गया है, ठीक है। कोई भी इसमें बीएसएससी की तरफ से गाइडलाइंस नहीं दी है एकेडमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर हम बात कर लें इसमें एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में, तो इसमें आपको बताया गया है कि 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज वेल एज 35% ऑफ योर ड्यूटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। 35% आपकी ड्यूटीज हेल्थ एंड सेफ्टी में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैनेजमेंट की होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो गाइडलाइंस है बीसीएसपी की तरफ से दी गई है सीएचएसटी एग्जामिनेशन के लिए।
अब देखिए क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी मतलब यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए बुक्स का बहुत बड़ा लिस्ट ऑलरेडी बीसीएस पे आपको प्रोवाइड करता है हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो उसमें बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत सारी बुक्स होती है, अराउंड 50 आपको मिल जाएंगी, 50-40 वेरियस वेरियस जो ऑथर्स की होती हैं, तो उन सबको डिस्कस करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं। वरना अगर आप जनरली अगर पूछें तो स्पैन इंटरनेशनल की बुक्स बहुत पॉपुलर हैं सीएसपी के लिए और एएसपी एग्जामिनेशंस के लिए। इवन कल एक हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे सीएसपी एंड एएसपी के लिए कौन सी बुक प्रेफरेबली आप मीन सजेस्ट करेंगे, तो देखिए सीएसपी एएसपी के लिए जो दो पॉपुलर बुक्स मैं सजेस्ट करता हूँ, बेसिकली फर्स्ट हो गई आपकी सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, एक ये बुक है। एक नेक्स्ट जो है डब्ल्यू डब्ल्यू डी एड्स की सेफ्टी प्रोफेशनल्स रेफरेंस गाइड, वो बहुत ही पॉपुलर है, आप चाहें तो जनरली भी उसकी स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत सारा उसमें नॉलेज मिल जाएगा। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई आप पे नोटिफिकेशन अगर आप पे रिकमेंडेशन हैं या फिर डाउट्स हैं इस वीडियो से या प्रीवियस वीडियो से तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वोटिंग पोल्स वगैरह चलते हैं इवनिंग को, तो आप अपना जो भी सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए डाल सकते हैं, या फिर कौन सी जो नेक्स्ट सीरीज पर मेरे को वर्क करना है आप उसके लिए सजेशन डाल सकते हैं, तो मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ उसके बाद। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।